हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग ने कंसाइज मैथमेटिक्स के शेयर्स एंड डिविडेंड्स की एक्सरसाइज 3B लगाई है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पहुँच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए कंपनी विथ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। में फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, एंड द सेकंड वन इज व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी, एंड देयर इज वन थर्ड मोर क्वेश्चन, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है एग्जाम में, इसमें प्रिंटेड है 2008 में आया है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 10,000, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी दी है? 100, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया है, 5% का है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ शेयर कितना हो जाएगा हमारा? इक्वल टू 100 × 10,000, ठीक है। ये कितना हो गया? 1st पार्ट में क्या पूछ रहा है हमसे? टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो हम पहले अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे। इसमें क्या है? अमाउंट ऑफ डिविडेंड, वो तो सिंपल है, हमने कितने अमाउंट का शेयर खरीदा है इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ₹100,000 इंटू 5% को 100 लिखेंगे, कैंसिल किया। तो ये हमारा कितना आया? 50,000। ये हमारा अमाउंट ऑफ डिविडेंड हो गया, ठीक है। इसमें ये पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, तो कंपनी हमें यहाँ पे ₹50,000 का डिविडेंड देगी। ये हमारा 1st पार्ट का आंसर हो गया। 2nd पार्ट में पूछ रहा है व्हाट शुड बी द एनुअल इनकम ऑफ द मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। तो एनुअल इनकम ऑफ, यहाँ पे सिंपली निकालेंगे एनुअल इनकम ऑन 72 शेयर, ऑन 72 शेयर्स, ये होगा 72 नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। ये फॉर्मूला आपको पता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था। नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर कितनी है? 100 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 5% का दिया हुआ है, तो 5/100 कैंसिल, 72 × 5, तो ये हमारा आएगा 360, ठीक है। बहुत इजी था, ये हमारा इसका आंसर हो गया। उसने 72 शेयर्स लिए तो उसकी एनुअल इनकम होगी 360 रुपीज़ की। 3rd पार्ट में क्या पूछ रहा है? इफ ही रिसीव ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। अगर उसको खाली 4% का ही इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो उसने कितने पैसे खर्च किए एक शेयर के लिए, ठीक है। बहुत आसान है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल डिविडेंड कैसे कितना होगा? यहाँ पे हमारा चेंज हो गया, 4% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियोस हम लोग के पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टोटल डिविडेंड कितना था अभी हमने निकाला यहाँ पे? अमाउंट ऑफ डिविडेंड ₹50,000। तो
ये 50,000 इज इक्वल टू 4/100 इनटू इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट हमें अब देखना है कितना है हमारा. इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 50,000 इनटू 100 बाय 4, 4 से डिवाइड किया 25, 5 जा 25, 5 ठीक है. तो ये हमारा कितना हो गया 12,50,000 का इन्वेस्टमेंट किया है उसने. तो हमें यहाँ पे आप निकालना क्या है, ये इतना रुपीज़ है, मार्केट वैल्यू निकालनी, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा 12,50,000 बाय क्या होगा नंबर ऑफ शेयर्स. शेयर्स कितने थे 10,000. क्वेश्चन पढ़ा ना उसमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 10,000 शेयर्स के. तो ये आपके कैंसिल हो गए तो आप कुछ 125 तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज रुपीज 125 और ये आपका आंसर हो गया. देखा कितना इजी था.